अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ हम बताएंगे कि चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त जिस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने पीपल्स चुरंगी और ये सामने रास्ता जिस पे कारपेटिंग का काम चल रहा है, ये सफ़ी हसन चुरंगी की तरफ को जा रहा है। मैं दोबारा आपको इसकी लोकेशन समझा दूँ। सामने ये रास्ता सफ़ी हसन चुरंगी की तरफ से आ रहा है और यहाँ पर रोड कारपेटिंग का काम इस वक्त चल रहा है। लास्ट दो दिन पहले मैंने आपको अपडेट की थी कि यहाँ पे मिट्टी लेवलिंग का काम वगैरह चल रहा था, मशीनें यहाँ काम कर रही थी और आज यहाँ पर रोड लेवलिंग का काम चल रहा है। ये बाइंडिंग कारपेटिंग है, इसके बाद बताया जा रहा है कि एक लेयर इसके ऊपर और बिछाई जाएगी। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ सफ़ी हसन से पीपल चुरंगी के दरमियान जो रास्ता है, इसके दरमियान में मशीनरी यहाँ मौजूद है और टीम भी यहाँ मौजूद है। बड़ी तादाद में यहाँ लेबर मौजूद काम कर रही है। फिलहाल ये मशीनरी यहाँ पर रोड की कंपैक्शन के लिए इसके अलावा ये रूलर मशीन भी यहाँ मौजूद है। ये रोड कारपेटिंग का काम यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा ये स्पार्ट मशीन है। कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह इसको आज डीसी ऑफिस तक कंप्लीट किया जाएगा। या आगे अगर मैं आपको उंगली की तरह समझाऊँ, ये टावर जो आपको नज़र आ रहा है ये डीसी ऑफिस सेंट्रल, और यहाँ से कारपेटिंग का काम स्टार्ट किया गया है जो कि वापस पीपल चुरंगी तक हो जा रहा है। ये यहाँ की प्रोग्रेस है। ये एक लेयर यहाँ बिछा दी गई है, दूसरी लेयर का कहा जा रहा है, दूसरी लेयर यहाँ पर और बिछाई जाएगी। ये स्पार्ट मशीन कहलाती है जो कि रोड के मटेरियल को पेस्टिंग के लिए इस्तेमाल, रोड के मटेरियल को पेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल के लिए आती है। ये सामने बिल्कुल मेरे पीपल्स चुरंगी है और ये सराउंडिंग की मैं अगर शॉप की बात करूं, ये सराउंडिंग में शॉप पूरी मार्केट है बाकायदा। और ये अल इरम अभी फाउंडेशन के नाम से फ्लैट्स हैं जिनके सामने सब ये काम चल रहा है। ये छोटा रोलर भी यहाँ मौजूद है। कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह इसको आज सेंट्रल डीसी ऑफिस तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों की सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।